आतंकी हमले का शिकार बने पठानकोट एयरबेस का निरीक्षण करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं पठानकोट। पीएम मोदी ना सिर्फ उन जवानों से मिलेंगे जिन्होंने आतंकियों से लोहा लिया, बल्कि वो एयरबेस का हवाई सर्वे भी करेंगे। आतंकी हमले पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि 72 घंटे में इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इन 72 घंटों में 48 घंटे बीत चुके हैं और सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। अब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के इंटेलिजेंस प्रमुख को कहा है कि वो भारत की तरफ से सौंपे गए सबूतों की जांच करें। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पठानकोट दौरा और इस दौरे को जवानों की हौसला अफजाई के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों के साथ मीटिंग की प्रधानमंत्री मोदी ने, इसके अलावा वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे इस एयरबेस का और अस्पताल में उन जवानों से भी मुलाकात करेंगे जहां पर इस आतंकी हमले में जो जवान मुकाबला कर रहे थे आतंकियों का, वो जख्मी हैं और उस अस्पताल में भर्ती हैं। उन जवानों से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री मोदी। और पठानकोट में पीएम दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं एयरबेस के एंट्री पॉइंट पर। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर है जमीन पर थल सेना की सुरक्षा की तस्वीरें हैं, ये थल सेना जुटी हुई है। और दूसरी तस्वीर है वायु सेना किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम पर नजर रख रही है। लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षा पर पैनी नजर रखी जा रही है। और अब हम अपने मिशन की तरफ बढ़ते हैं, जरा याद करो कुर्बानी। आखिर क्यों शहीदों के परिवार को मायूस होना पड़ता है, उनकी शहादत के साथ जो है नाइंसाफी क्यों होती है, क्यों हम सिर्फ उन्हें शहादत के वक्त ही याद करते हैं, क्या हमारे लिए जो देश की सरहद पर खून बहाते हैं उनके लिए किए वादे समय से पूरा करें, ये हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं बनता। इन तमाम सवालों के लिए इंडिया की आवाज में आज हमने यही मुद्दा चुना है, जरा याद करो कुर्बानी। तो शहीदों के परिवार क्यों मायूस हैं, वतन पर मिटने वालों को नमन कीजिए। आज जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर शहादत से क्यों होती है नाइंसाफी, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का ये इस बार का मिशन है, जरा याद करो कुर्बानी। इंडिया की आवाज में आप कॉल करें और अपनी राय दें, हमारे साथ अपनी राय साझा करें। कॉल करें 1800-1803535, दूसरा नंबर है 01207153755। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और शहीदों की कहानी को याद कीजिए आज जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। शहीदों की कहानी भी आपको साथ ही साथ सुनाते हैं, किस तरीके से उनकी शहादत के बाद उनको भुला दिया गया। एक शहीद का परिवार पंचकुला का भी है, मेजर संदीप सागर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद संदीप अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। हालांकि परिवार को सरकार की तरफ से मदद जरूर मिली, लेकिन शहीद के पिता कुछ बातों को लेकर सरकार से नाराज हैं। महज 28 साल की उम्र में मेजर संदीप ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। बचपन में सेना में भर्ती होने का जुनून था, पहले अटेम्प्ट में ही CDS की परीक्षा पास की थी। मेजर संदीप 1995 में IMA देहरादून से पास आउट हुए थे, लेकिन 1999 के कारगिल युद्ध में मेजर संदीप शहीद हो गए। उस वक्त संदीप की पत्नी और 1.5 साल की बेटी भी थी, लेकिन संदीप के जाने के बाद उनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, बेटी को भी अपने साथ ले गई। आज शहीद के माता पिता अकेले हैं, ना बेटे का सहारा है और ना बहू का, और ना ही सरकार कोई मदद कर रही है। हालांकि सरकार ने शहीद की पत्नी को नौकरी समेत कई सुविधाएं जरूर दी, लेकिन माता पिता को कुछ नहीं मिला। शहीद संदीप सागर के पिता हरबंश सागर को बस इसी बात का मलाल है। विधवाओं को तो उन्होंने सब कुछ दे दिया, पेंशन भी पूरी मिली, जो लास्ट पे डाउन थी वो पूरी पेंशन गवर्नमेंट उसको देती है। इसके अलावा उनको नौकरी भी दे दी, कोई गैस एजेंसी भी दे दी, मकान भी दे दिए। अगर मैरिज करवा लेती है लेडी तो भी उसको पूरी पेंशन मिलती है,
मगर पेरेंट्स का जो है ना, उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा इस, ये हमें एक तकलीफ है, दुख है। हरबंश सागर ने उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को खत भी लिखा था। हरबंश कहते हैं कि शहीद की पत्नी के साथ साथ माता पिता को भी सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। पत्नी तो दूसरी शादी कर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है, लेकिन माता पिता कहाँ जाएंगे। शहीद मेजर की माँ तो कहती हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत मान प्रतिष्ठा, ये आज की दुनिया में मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं उस ऑलमाइटी, उस परमेश्वर में विश्वास रखती हूँ। हमारी पेंशन नहीं, कोई बात नहीं। हमारा कोई और साधन नहीं है, कोई बात नहीं। शहीद के माता पिता आज अकेले हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उम्मीद सरकार से कुछ सहायता की थी, लेकिन वो भी पूरी होती नहीं दिखती। आखिर क्यों हमारे देश में शहीदों के परिवारों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, पंचकुला। तो इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पहले कॉलर है हमारे साथ, हैप्पी है गुरदासपुर से। जी हैप्पी बोलिए। हैप्पी आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ जी सर, मेरी राय ये है कि सब तो पहला तो जो जवान शहीद हुए उन्होंने सलाम, तो सर दूजी राय मेरी ये है कि सरकार नू इन्हां वल ध्यान देना चाहिए ज्यादा तो ज्यादा, क्योंकि पूरी देश वास्ते वो कुर्बान हो जाते हैं, सरकार वादे कर लेंदी है, बाद च वादे ते पूरा नहीं उतरते। तो सर मेरी दूजी बेनती ये है कि जिस तरह ताडा मिशन चलता पिया है कि वर्दी यूनिफॉर्म जिहड़ी है नहीं बाजार च विकनी चाहीदी, ते बाकी ये कहने कोई कहता है कि आई डी प्रूफ लैके बिकनी चाहिए, क्योंकि सर सर हर बंदा यदि अजकल तुम पता तालमेल दो नंबर का लोग काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि फर्जी भी बना सकते हैं आई डी प्रूफ, ओके थ्रू भी यूनिफॉर्म लै सकता जी। सब तो जरूरी यह है कि सरकार को चाहिए कि यूनिफॉर्म से बैन ही लाना जी। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी आवाज सुन रहा है सरकार और प्रशासन, और आपकी इस बात पर जरूर गौर किया जाएगा। अगले कॉलर है हमारे साथ गुरदासपुर से, हमारे साथ रोहित जी। रोहित बोलिए, रोहित बोलिए, राय दे सकते हैं आप। सबसे पहले सर ये बताना चाहूंगा कि ये जो अभी इंसिडेंट हो चुका है पठानकोट में सबसे बड़ा, इसके लिए हमारे जो खुद के यहाँ के खुफिया तंत्र वो भी सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बॉर्डर एरिया के साथ साथ काफी कुछ हद तक ऐसी फैंस। रोहित की आवाज कट गई है, शायद संपर्क टूट चुका है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के जरिए आपकी राय सरकार और प्रशासन तक पहुंच रही है, और नंबर हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। शहादत की क्यों नाइंसाफी होती है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं, और तमाम शहीदों के परिवारों की कहानियां हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से हम आपको लगातार तमाम शहरों में जिस तरीके से कई शहीदों की अनदेखी हुई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे पंचकुला की तस्वीर हो, चाहे फिर हिसार की तस्वीर हो, मंडी की तस्वीर हो, तमाम शहीदों के परिवारों की कहानी, और उन शहीदों की कहानी जिनकी कहानी को उनकी शहादत के बाद भुला दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है कि शहादत के बाद प्रशासन और सरकार जो है अपने शहीदों की शहादत को भूल जाते हैं, और हम जब रियलिटी चेक के लिए निकले बाहर और हमने उन तमाम शहीदों की कहानियों को उठाया कि क्यों उनकी शहादत को भुला दिया गया, तो प्रशासन कहता है कि आपने हमारे ध्यान में ये बात लाई है, अब हम इस तरफ जरूर गौर करेंगे। लेकिन सालों बीत जाते हैं, इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, और जब जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने इसको अपनी मुहिम बना लिया तो प्रशासन कहता है कि हम इस तरफ जरूर गौर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपके इलाके में अगर ऐसी कोई अनदेखी हुई है तो आप हमारे साथ वो साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 0120715355। अगले कॉलर है हमारे साथ, रामजीत है हमारे साथ लुधियाना से। जी बोलिए। जी सर, हम ये बात कर रहे हैं जो ये फौजी है, फौजी लोग शहीदी प्राप्त कर जाते हैं। सर आपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद नहीं किया, आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए और हमारे साथ बात कीजिए। बोलिए। फौजी शहीदी प्राप्त कर जाते हैं, जो ये प्राप्त कर जाते हैं, जो देन है जो प्राप्त कर जाते हैं, तो इसके मां बाप का अर्ज। सर आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, आपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद नहीं किया, आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए और हमारे साथ बात कीजिए। बोलिए। सर जी हम जय बोल रहे हैं, अब आ रही है हमारी आवाज आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही। सर जी जय बोल रहे हैं, जो शहीदी प्राप्त कर जाते हैं ना फौजी,
जो इसका माँ बाप है उनका फर्ज बनता है उनको देने का, क्यों भर्ती तो यही माँ बाप ही करवाते हैं ना, बाद में भर्ती तो माँ बाप ही करवाते हैं, जो इनको बाद में रोलना पड़ जाता है तो बहू बेटियां थोड़ा वो करेगी। अच्छा ठीक है, ये आपकी राय, शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो जरा याद करो कुर्बानी, यही मिशन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने बना लिया है और इसी मिशन के तहत हम शहर शहर जाकर जो है शहीदों की शहादत को भुला दिया गया है या नहीं या फिर याद रखा गया, ये हमने चेक किया है। हिसार की कहानी हमने आपको दिखाई सुबह 7 बजे से, हमने आपको पंचकूला की कहानी बताई, हम पंजाब के तमाम शहरों से कहानियां आपको दिखा रहे किस तरीके से शहीदों की शहादत को भुला दिया गया। सालों बीत गए, उनके परिवार को आश्वासन मिला था, शहीदों के परिवार को, कि आपको नौकरी दी जाएगी, आपको मदद दी जाएगी, लेकिन फिर बाद में भुला दिया जाता है। ऐसी कई कहानियां हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं और दिन भर ये कहानियां हम आपको दिखाते रहेंगे और हमारे जरिए ये जो खबरें हैं ये सरकार तक, प्रशासन तक पहुंच रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मददगार साबित होगा, देर से ही सही, सालों बीत गए लेकिन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने इसको मुहिम बना लिया है, तो सरकार और प्रशासन की नजरें जो है जरूर इस तरफ जाएंगी, जरूर उनकी आंखें खुलेंगी और शहीदों की शहादत को फिर से याद किया जाएगा। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है 01207153755 और 1800180353। ये हमारे दो नंबर हैं, आप हमारे साथ जुड़िए और शहीदों की शहादत को याद कीजिए। अगर आपके इलाके में ऐसी कोई अनदेखी हो रही है तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस मंच पर। अगले कॉलर हैं हमारे साथ सरबजीत हैं हमारे साथ, जी बोलिए। संपर्क टूट चुका है, जब भी आप हमें कॉल करें सबसे पहले टीवी सेट का वॉल्यूम जरूर बंद करें, तभी आपकी और हमारी बात जो है सहज तरीके से हो पाएगी। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और हिसार की कहानी इस बीच आपको बता देते हैं। हम ये बहुत सुनते हैं कि शहीदों तुम अमर हो, तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये नारे अक्सर उस समय दोहराए जाते हैं जब वतन का रखवाला वीरगति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं, यहां तक कहा जाता है कि दुख की घड़ी में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन बाद में शहीदों को भुला दिया जाता है। चलिए ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। अगले कॉलर है हमारे साथ, बलदेव है हमारे साथ, जी बोले। सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल। जो शहीद है ना ये बड़ी बहुत कुर्बानी देते हैं। हाँ जी, जो ये शहीद है ना जी, फौजी हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पे, रात दिन बर्फ में भी रहते हैं, धूप में भी रहते हैं, तो इनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए जी। सरकार को तो जरूर करना चाहिए। अच्छा आपने कोई केस देखा है अनदेखी वाला अपने आसपास? हाँ नहीं है, बहुत है, महिला भी है, नाम में भी है, जो उनकी विधवा है वो रुलती फिरती है, उनको बच्चे तो क्या कम है, बच्चों का कुछ कुछ पास है नहीं। अच्छा जी, तो इसलिए उनको विधवा को रुलना पड़ता है। अच्छा जी, हाँ जी, तो आप क्या अपील करते हैं आज? फिर हम तो ये अपील करते हैं सरकार को कुछ कर मदद करनी चाहिए, तो जो संस्था बनी है उनको भी मदद करनी चाहिए, संस्थाओं और सरकार को आगे आना होगा। आपकी अपील सुन रहा है सरकार और प्रशासन और इस तरफ जरूर गौर किया जाएगा। सरकार और प्रशासन देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिसार की हम एक रिपोर्ट दिखा देते हैं जहां पर शहादत को भुला दिया गया। ये है शकुंतला देवी, एक शहीद की पत्नी जिनके पति साल 2000 में दिल्ली के लाल किला पर हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। उस वक्त परिवार पर सितम टूट पड़ा था, बेटा 4 साल का था, बेटी पूनम के सिर से बाप का साया उठ गया तो पत्नी शकुंतला देवी के सिर से सुहाग का सिंदूर बिट गया। जी उस टाइम पर लाल किले में थे और ड्यूटी पर थे और 22 दिसंबर 2000 में रात को 9 बजे शहीद हो गए थे जी। उस टाइम पर उग्रवादी घुस के लाल किले में। अच्छा। तो आमी सामी की मुठभेड़ हुई, उस लड़ते लड़ते हमें शहीद हो गए। लेकिन परिजनों पर असली पहाड़ तो उस वक्त टूटा जब आतंकियों की गोली से वीरगति को प्राप्त करने वाले अशोक कुमार को सरकार ने यह कहते हुए शहीद का दर्जा नहीं दिया कि अशोक ने वीरगति को उस इलाके में हासिल किया है जो पीसफुल यानी शांतिपूर्ण इलाका है। जिसके बाद शकुंतला देवी ने अपने पति को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए हरियाणा से दिल्ली तक का चक्कर काटे।
2009 में अपने दोनों बच्चों के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठी, भूख हड़ताल की, कभी भिवानी के सैनिक बोर्ड तो कभी दिल्ली के मुख्यालय तो कभी हरियाणा के नेताओं से गुहार लगाई। इतना ही नहीं, एक शहीद के परिवार को मिलने वाली अन्य सुविधाएं जैसे गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप तक नहीं मिले। यूनिट ने तो है ना जो जमा पैसे थे वो करके वो किस तरह भी है ना वो हिसाब किताब पूरा दे दिया यूनिट ने। तो उसके बाद में यूनिट ने भी न कोई सर्विस दी हमने न कोई पूछा ने, और हरियाणा सरकार ने तो कुछ आके कुछ भी नहीं दिया, पूछा नहीं आग भी शहीद भी आया कि देश के लिए, उनने तो कुछ आने की किसी ने भी मदद नहीं करी हमारी। सबका लट डाल डूल के फिर हमने है ना जिस जंतर मंतर में धरना धरा, मेरे बेटा मेरी बेटी और मैं, 3 दिन हो गए थे ना कोई खाया पिया न अंत तक नहीं जान दिया, पानी भी नहीं पिया। बातचीत के दौरान शकुंतला की आंखों में आंसू आ गए, रूंधे गले से अपना दुख जाहिर करते हुए शकुंतला ने कहा कि वो शहीद की पत्नी है, लेकिन ये बात हर किसी को कहनी पड़ती है, गुहार लगानी पड़ती है। शहीद अशोक के पिता रामकरण भी सेना में थे, वो 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे, यानी एक शहीद के परिवार का देश के सड़े हुए सिस्टम ने मजाक बनाकर रख दिया। थोड़ा सा दुख इसलिए होता है कि जो शहीद हो जाते हैं उनको हमारे समाज में, उनको हमारी सरकारों की तरफ से और हम खुद को अपने दिलों से उनको एक शहीद और एक रेपुटेड पर्सनलिटीज में मानना चाहिए, ये हमारे देश में अभी थोड़ी सी कमी है। सरकारी तंत्र की उलझन ने अशोक की शहादत को भी सीमाओं की उलझन में फांस दिया है। केंद्र कहता है अशोक शहीद है, लेकिन राज्य सरकार अंग्रेजी के शब्द पीसफुल एरिया की दुहाई देते हुए वीरगति को हासिल करने वाले अशोक के परिवार के दर्द को समझ ही नहीं पा रही। ऐसे में सरकारी तंत्र के बारे में क्या कहा जाए? जरूरत है सेना के परिवार के दुख में दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से शामिल होने की। ऐसे में उम्मीद यही है कि जल्द ही सरकार शहादत को हासिल करने वाले शहीद अशोक कुमार के परिवार को इंसाफ देगी। ललित शर्मा, जी मीडिया, हिसार। तो उम्मीद करते हैं कि खट्टर सरकार जो है शकुंतला देवी के आंसुओं को जरूर समझेगी। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तरन तारण से, हैं हरपाल जी, बोले हरपाल। हाँ जी, सत श्रीकाल सर, मैं हरपाल सिंह बोलता हूँ पंगाले। सर मैं ये बताना चाहता हूँ शहीद के परिवार का जो भी दुख सुख है सुनना चाहिए सरकार को, सरकार को 6 महीने के बाद बैठ कर बुला के सरकार को उसके दुख तकलीफा सुन के उसका कोई भी शिकायत है सुननी चाहिए, हर 6 महीने के बाद बैठ कर शहीदों की बुलानी चाहिए। तो क्या अपील करना चाहेंगे आज? हाँ सरकार का यही अपील है, सुरक्षा जो भी है सरहद से बता दी जावे, जो भी है सील कर दिया जावे, कोई भी नजर आवे, कोई कुछ भी है, खेमकरण है, अटारी है, कोई भी वाघा बॉर्डर है, कितने भी है, कोई जो पंजाब को अगे तो बहुत नुकसान हुआ है, इसको गाड़ी ज्यादा नुकसान ना हुए, पंजाब के नुकसान से आप दुखी हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तरन तारण से हरपाल हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि 6 महीने में एक मीटिंग करनी चाहिए और ऐसे शहीद जवानों के जो परिवार हैं उनकी हर बात सुननी चाहिए जो भी दिक्कत उनको आ रही है। तो आपने देखी शकुंतला देवी की कहानी, उनको तो शहादत को प्रूव करने में ही सालों बीत गए और केंद्र और राज्य सरकार में ये मामला अटका हुआ है। पीसफुल एरिया, इन दो शब्दों के बीच ये शहादत जो है ये कहीं ना कहीं जो है इसको प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, फिलहाल हमारे साथ कॉलर नहीं है, लेकिन ये जो हमने हिसार का आपको मामला दिखाया किस तरीके से, ऐसे और भी कई मामले हैं कि शहादत को ही प्रूव करना पड़ता है और शहीदों का परिवार जो है इस तरीके से उनकी बेकदरी होती है। तो हिसार की रिपोर्ट जो है जरूर हरियाणा सरकार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के जरिए देख रही होगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार, मौजूदा जो खट्टर सरकार है, वो इस तरफ जरूर कदम उठाएगी। साल 2000 में शहीद
परिवार ने, शहीद का जो परिवार है उसने अपने घर के चिराग को खोया था। और हम उम्मीद करते हैं कि साल 2016 में हरियाणा सरकार जरूर इस तरफ कदम उठाएगी। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, सुखप्रीत हैं हमारे साथ। जी बोले। सर। हाँ जी, हाँ जी बोले। मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अपनी वो शहीदों के बारे में नहीं सोचते। तो वो मीन्स की 10 दिन या महीना याद रखते हैं कि उन्होंने अपनी जान दी है, उनके परिवार से मिलते हैं, उसके बाद उनको पूछते तक नहीं है। तो वो सियासी रोटियां सेकनी बंद करें और उनके बारे में सोचे। करप्शन तो खासकर बंद होनी चाहिए। ये ऑलमोस्ट पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं और 10-15 दिन ही याद रखते हैं शहीदों को, और बाद में तो उनको पूछते नहीं है। उनके सही मायने में दुख तो उनके परिवार होता है, ना कि पॉलिटिशियंस को होता है। चलिए, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। लुधियाना से सुखप्रीत कह रही हैं कि शहीदों के परिवारों की तरफ सरकार को खास ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर इस तरह के मसले जो हैं वो नहीं फंसने चाहिए कि केंद्र सरकार कह रहा है कि वहाँ पर शहादत हुई है, जैसे कि शकुंतला देवी के परिवार की ये दिक्कत है। वहाँ पर जो शहीद हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पीसफुल एरिया में उनकी शहादत हुई है, तो राज्य सरकार जो है उनकी तरफ से बिल्कुल भी मदद नहीं मिली शहीद के परिवार को। साल 2000 से ये मामला अटका हुआ है। खैर, एक और रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, एक ऐसे ही शहीद का अपमान जो है हिमाचल के मंडी में हो रहा है। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। चलते चलते आपको यही रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमाचल के मंडी में सेरी मंच के पास बना ये करगिल शहीद स्मारक पार्क, जिसमें 1999 की करगिल की लड़ाई में शहीद हुए जिले के 10 सपूतों के नाम एक पट पर लिखे गए। पार्क में फव्वारे भी लगाए गए। प्रदेश के तत्कालीन CM प्रेम कुमार धूमल ने इस पार्क को एक यादगार के तौर पर विकसित किए जाने का भी विश्वास जताया। लेकिन हकीकत क्या है उसे बयान करती है इस पार्क में फैली बदइंतजामी। फव्वारे बंद हैं, पानी सड़ चुका है, पार्क में जहां तहां गंदगी बिखरी हुई है। जो लाइटें शहीदों की यादों को रोशन करने के लिए लगाई गई थी वो टूट चुकी हैं। जो पार्क हरा भरा होना चाहिए था उसमें किनारों पर ही घास उगी नजर आती है। स्थानीय लोग और पूर्व सैन्य कर्मी जहां इस हालात से परेशान हैं, वहीं जिला प्रशासन जल्द कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। मंडी में शहीदों का एक स्मारक बना हुआ है, एक यादगार बनी हुई है, ये मंडी वालों के लिए सम्मान की बात है। लेकिन इसके साथ साथ शहीदों के लिए भी और मंडी वासियों के लिए भी ये एक दुख का विषय है कि शहीदों की उस यादगार को हम लोग जो है वो पूरी तरह सम्मान नहीं दे पा रहे, उसको संजो के नहीं रख पा रहे। आज तक जिला प्रशासन को जितनी बार भी हमने इनसे आग्रह किया और इनको बताया, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। सरकार को हमने एक बार नहीं हजारों बार खत लिख करके और रैलियां करके इन शहीदों के बारे में इनको बताया जाके इसमें, लेकिन आज तक जो है इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की रही है। इस पर भी बहुत जल्द किया जाएगा, इस पर कार्य चला हुआ है, ऑलरेडी एक डिजाइन स्टेज पे हम हैं इसमें, और इसमें भी बहुत जल्द इसका एक सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किया जाएगा। शहर में शहीदों की याद में बनाए गए इस पार्क में पट पर एक नाम लिखा है शहीद हीरा सिंह का। हीरा सिंह गांव पधियों के रहने वाले थे। 1999 में करगिल जंग के दौरान उन्होंने शहादत का जाम पिया तो श्रद्धांजलि देने के लिए मानो पूरा मंडी शहर सड़क पर उतर आया। शहीद के परिवार को मदद देने के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई। गांव के स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने का ऐलान हुआ, पर असल में जो हुआ उसका दर्द अपने बेटे को देश पर कुर्बान करने वाली एक माँ की आंखों में नजर आता है। निर्मला देवी का कहना है कि उनके बेटे का नाम जिस तरीके से स्कूल के दरवाजे पर लिख दिया गया उसे सम्मान कहने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। स्कूल में जाकर हमने भी हालात देखे तो अव्यवस्था का आलम हर जगह नजर आया। सिर्फ दरवाजे पर लिखे एक छोटे से नाम के अलावा शहीद हीरा सिंह की कोई यादगार यहाँ दिखाई नहीं देती। शहीद के परिजनों और स्थानीय लोगों में जहाँ पूरे मामले को लेकर रोष है, वहीं प्रशासन एक बार फिर कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। जो था उसके नाम पर दिया हुआ था ना स्कूल, तो उन्होंने वो लगाया, गेट ने अच्छा बनाया, लोहे का कर दिया खड़ा, पैसा खा लिया, गेट ऐसा बनाया, नाम इतने कर अक्षरों में दी, इतना कर दिया छोटा सा, नहीं तो इतनी बड़ी कुर्बानी की बड़े अक्षरों में दे सकते थे। ये भी देखो जो वहाँ गेट बना उसके लिए पैसा कुछ और था, तो लोहे का लगा के रख दिया ऊपर।
पैसा खर्चा नहीं। तो वो लोहे के ऊपर जो लोहे का ही आप ला लो, कितना खर्चा होगा? ये जो मुद्दा आपने समक्ष लाया है इस पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उनका नाम भी बड़ा तो किया ही जाएगा, उसके साथ साथ उनकी कोई फोटोग्राफ या प्रतिमा टाइप में भी हम वहाँ पे लगाने का प्रयास करें। मंडी में जिस तरीके से शहीदों की शहादत को एक तरह से भुला दिया गया है वो अपने आप में काफी परेशान करने वाली स्थिति है, क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ी को देश सेवा का पाठ पढ़ाना है तो इस बात का भी उदाहरण कायम करना होगा कि पूरा देश शहीदों के सम्मान को अपना फर्ज समझता है। यशराज शर्मा, जी मीडिया, मंडी।